हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सीयूसेट 2020 के रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल मिल रहे हैं। इन्हीं सवालों में से एक सवाल है काउंसलिंग के बारे में। इस खास वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर हाजिर हूँ। ये अपडेट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई अपडेट मैं सीयूसेट के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपडेट करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। हाँ, आपको याद दिला दूं क्योंकि अब लास्ट मोमेंट आ चुका है काउंसलिंग और एडमिशन का, तो आप बिल्कुल भी बिल के आइकन को दबाना ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एडमिशन और काउंसलिंग का मौका गंवा दें। वापस आते हैं, बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। हालाँकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग ऑफलाइन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखकर, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सीयूसेट की ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है। फैसला ये लिया गया है कि सीयूसेट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन काउंसलिंग करेगी, न कि ऑफलाइन। यानी कि आप घर बैठे ही काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस की है, इस वीडियो को देखने के बाद उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप लगातार विजिट करते रहें। इसी हफ्ते में काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। आपको फिर एक बार बता दें कि सीयूसेट 2020 में 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया है, जहां पे आप इंटरेस्टेड हैं काउंसलिंग और एडमिशन के लिए, उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट को आप विजिट करते रहें। एडमिशन सेक्शन पर जाएं, होम पेज पर भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल सकती है। जहां तक सूत्रों से पता चला है कि सीयूसेट आपको SMS या फिर ईमेल के ज़रिए भी आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेगी। जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ उससे ज़्यादा है या उसके कट ऑफ के बराबर है, तो आपको जानकारी यूनिवर्सिटी दे सकती है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की जानकारी के भरोसे ना रहें, आप खुद से ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। जैसे ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती है, आप सारे दस्तावेज के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लीजिए। सीयूसेट 2019 के ट्रेंड को देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के समय ही आपको एडमिशन फ़ी जमा कर देनी होती है, यानी ऑनलाइन आपको फी पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो वो फ़ी यूनिवर्सिटी रख लेती है, वरना कुछ दिनों के बाद वो पैसे आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने 2019 में काउंसलिंग के समय ही ऑनलाइन पेमेंट ले लिया था, फ़ी ले ली थी। अगर जिन लोगों का एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया था, उनके 1000 रुपये डिडक्ट कर उनके वापस हो गए थे पैसे उनके अकाउंट में। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 2019 में काउंसलिंग के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी थी। तो आपको करना यह है कि जो भी यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपने चॉइस दिया है, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। जैसे ही कोई नोटिस आती है, उस नोटिस को अच्छे से पढ़ें। उसमें दी गई जानकारी के अनुसार, उसमें दी गई गाइडलाइंस के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। अगर आप सिलेक्ट होते हैं फर्दर प्रक्रिया के लिए, एडमिशन के लिए, तो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगी, या हो सकता है कि मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर ही घोषित कर दी जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर सीयूसेट 2020, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।